हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एरिया फिलिंग एल्गोरिदम, दैट इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 3। और एरिया फिलिंग में बहुत सारे एल्गोरिदम आते हैं, जैसे स्कैन लेंथ, बाउंड्री फिल एल्गोरिदम। आज हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में फ्लड फिल एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। ओके, सो व्हाट एक्चुअली द फ्लड फिल एल्गोरिदम डज। ओके, तो फ्लड फिल एल्गोरिदम क्या होता है, उसके नाम के मुताबिक फ्लड जैसे कि एक सैलाब होता है, उससे उसी की तरह वो क्या करता है, वर्कआउट करता है। ओके, इन दिस मेथड अ पॉइंट और अ सीड इन विच इनसाइड रीजन इज सिलेक्टेड। ओके, आपको एक शेप होगा, उसमें से आपको कोई सा भी एक पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, और जो आप पॉइंट सिलेक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं सीड पॉइंट। ओके, तो उस पॉइंट के मुताबिक हम क्या करेंगे, वहाँ पर से 4 कनेक्टेड अप्रोच और 8 कनेक्टेड अप्रोच से हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट होगा और जो पर्टिकुलर डायग्राम और शेप होगी उसको हम एक स्पेसिफाइड कलर से फिल अप कर देंगे। ओके, दिस मेथड इज़ मोर सुटेबल फॉर फिलिंग मल्टीपल कलर्स बाउंड्री व्हेन बाउंड्री इज ऑफ मेनी कलर्स एंड इंटीरियर इज टू बी फिल्ड विथ वन कलर इज वी यूज़ दिस एल्गोरिदम। अगर हम ये एल्गोरिदम हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी बाउंड्री जो होती है वो मल्टीपल कलर से डिफाइन होती है, और हमें क्या करना पड़ता है इनसाइड दैट पर्टिकुलर शेप। ओके, हमें क्या करना पड़ता है, वो वहाँ पे जो कलर फिल करना होता है उसके लिए हम ये फ्लड फिल एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। फ्लड फिल एल्गोरिदम ये हमेशा एरिया फिलिंग एल्गोरिदम होता है, यानी कि हमें यहाँ पे एक पॉलीगन लगता है। पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज शेप। ओके, जो वहाँ उसमें कितने भी साइड हो सकते हैं, लेकिन उसकी एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि वो सभी साइड से क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। सो यहाँ पे हम 4 कनेक्टेड रीजन और 8 कनेक्टेड रीजन एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। आपको इनमें से जो सूटेबल लगता है वो हम देखेंगे। ओके, पहले हम 4 कनेक्टेड रीजन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिए, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन ब्लू कलर का जो पिक्सल लिया है, ओके, दीज आर माई पिक्सल्स। ओके, सो ये ब्लू कलर का जो पिक्सल लिया है उसको हम करंट पॉइंट और सीड पॉइंट कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग पहले ये सीड पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद वो अपने चारों तरफ देखेगा, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, और उनको क्या करेगा, कलर फिल करेगा। ओके, सो इन दिस टेक्निक 4 कनेक्टेड पिक्सल्स आर यूज्ड एज शोन इन द फिगर। वी आर पुटिंग द पिक्सल्स अबव, बिलो, टू द राइट एंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द करंट पिक्सल, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल वी फाइंड अ बाउंड्री कलर विद डिफरेंट कलर। ओके, सपोज यहाँ पे दूसरा कलर है। ओके, आपको ये चारों फिल करने हैं, तो आप चेक करेंगे कि ये ओल्ड कलर है कि नहीं। ओके, हमेशा बाय डिफॉल्ट ओल्ड कलर वाइट होता है। ओके, सो ये ओल्ड कलर अगर यहाँ पे ये वाइट है तो ये क्या कर देगा, यहाँ से फिल अप कर देगा। ओके, सो यहाँ पे उसका मैंने एल्गोरिदम लिखा है। यहाँ पे एल्गोरिदम एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक्स और वाई, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ये विद द हेल्प ऑफ दिस टू पॉइंट्स वी कैन कैलकुलेट दिस सीड पॉइंट। ओके, ये सीड पॉइंट के लिए ये एक्स और वाई पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फील कलर होता है। फील कलर मतलब जो कलर हमें, आप इसको न्यू कलर भी बोल सकते हैं, जो कलर आपको फिल आउट करना है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और जो कलर आपको, जो आपका ओल्ड कलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप इंटीजर भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो कोलन इंटीजर रखा है, यहाँ पे आप चाहे तो कलर का नाम लिख सकते हो, या फिर आप सबको पता होगा कि ग्राफिक्स में कलर कोड होते हैं। ओके, सो वो पर्टिकुलर कलर का इंटीजर में जो नंबर होता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, फिर हम ये चेक करेगा, इफ़ गेट पिक्सल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ओल्ड कलर, वो चेक करेगा कि जो मैंने पिक्सल का कलर है वो ओल्ड कलर से मैच करता है क्या। अगर वो ओल्ड कलर से मैच होता होगा तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे सेट कर देगा पिक्सल और फिल कर देगा वो। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा फिल कलर क्या है, ब्लू है। यहाँ पे मेरा जो ओल्ड कलर वो क्या है, वाइट है। ओके, सो यहाँ पे वो चेक करेगा कि ओल्ड कलर से मैच होता है क्या, तो वो क्या कर देगा, उसको फिल कर देगा। और ये जो एक्स प्लस वन वाई लिखा है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए। अगर ये एक्स और वाई सीड पॉइंट के पॉइंट्स हो गए, तो एक्स प्लस वन का मतलब क्या होगा, हम राइट में जाएंगे, हम लेफ्ट में जाएंगे, हम टॉप में जाएंगे, हम बॉटम में जाएंगे। ये जो चार पॉइंट्स दिख रहे हैं उसके लिए मैंने ये कोऑर्डिनेट लिख दिए, और सिंपली उसका यहाँ पे आपको क्या करना है, फील लिखना है। यहाँ पे एक्स प्लस वन आ जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, इससे एक लेफ्ट साइड में जा राइट साइड में जाएंगे। ओके,
राइट साइड में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वन मिलेगा। लेफ्ट साइड में जाने के लिए हमें x माइनस वन करना पड़ेगा। y पोजीशन सेम रहेगी तो y पोजीशन के लिए जाने के लिए हम x को सीधा रखेंगे और y को इंक्रीमेंट करेंगे, y प्लस वन y माइनस। इस तरह से हम चारों को भर लेंगे और ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, पूरा पॉलीगॉन भर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई डायगोनल में पॉइंट आ जाता है, सपोज यहाँ पे मुझे कुछ फिल करना है, ओके, सो वह बाय यूजिंग फोर कनेक्टेड रीजन हम डायगोनल में नहीं जा सकते, ओके, ये इसकी लिमिटेशन है। तो ये इसकी लिमिटेशन ओवरकम करने के लिए ये फिर आया एट कनेक्टेड रीजन, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक एट कनेक्टेड पिक्सल्स आर यूज एज शोन इन द फिगर। वी आर पुटिंग पिक्सल्स अबव बिलो राइट लेफ्ट साइड ऑफ द करंट पिक्सल एज वी आर गोइंग डूइंग इन द फोर कनेक्टेड टेक्निक। इन एडिशन टू दिस वी आर ऑल्सो पुटिंग पिक्सल्स इन डायगोनल सो दैट एंटायर एरिया ऑफ द करंट पिक्सल इज कवर्ड। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल यू फाइंड द बाउंड्री विद द डिफरेंट कलर, ओके। यहाँ पे हमने देखा था फोर कनेक्टेड में ओनली फोर पार्ट्स थे, यहाँ पे हमने क्या किया है और फोर पिक्सल्स ज्वाइन कर दिए, कहाँ, डायगोनली। ये जो हमारा सीड पॉइंट है उसके डायगोनल टॉप में, उसके डायगोनल टॉप राइट में, टॉप बॉटम लेफ्ट में और बॉटम राइट में, ओके। ये अब ये अल्गोरिदम सेम है, सिर्फ उसकी क्या होगी, पिक्सल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चेंज होंगे। इंस्टेड ऑफ फोर जो हमने लिखा था, फोर फील लिखा था, उसके बदले हमें क्या करना पड़ेगा, एट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, माइनस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये हमारे फोर क्वाड्रेंट के वैल्यू है और अकॉर्डिंग टू दैट कोऑर्डिनेट वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अल्गोरिदम लिखेंगे। तो ये सिंपली वर्क सिंपल अल्गोरिदम है, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ वो जो पॉलीगॉन होता है उसको क्या करना है, फिल करना है। लेकिन फिल करने के लिए हम दो तरीके यूज़ करेंगे, एट कनेक्टेड वेज एंड फोर कनेक्टेड वेज। फोर कनेक्टेड वेज से कर सकते हैं लेकिन हम वहाँ पे डायगोनली नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बेटर है कि हम क्या करते हैं, एट कनेक्टेड रीजन यूज़ करते हैं। सो इसी को हम देखेंगे यहाँ पे हमारे न्यू प्रोग्राम में, ओके, जस्ट अ सेकेंड। एल्गोरिदम देखा है उससे हम क्या करेंगे, हमारा नया प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे हम वन बाय वन क्या करेंगे, एल्गोरिदम को लिख उस एल्गोरिदम को प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने का काम कर देंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक नाम देना पड़ेगा। सो ये मेरा फ्लड फील एल्गोरिदम है तो मैं यहाँ पे उस पर फील्ड लिख देती हूँ, फील्ड डॉट सी। सो यहाँ पे मैंने फील, जो आपको नाम चाहिए वो आप रख सकते हो, मैंने प्रीवियसली करके देखा था तो यहाँ पे इसलिए मैंने उसका नाम क्या रख दिया है, फील रख दिया है। तो एज़ यूजुअल हमें यहाँ पे तीन हेडर फाइल्स लगती है, जो हेडर फाइल्स लगती है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। सो इंक्लूड करने के लिए सो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस्टीरिया यूज़ कर लेंगे, ओके, स्टीरियो कोनियो और ग्राफिक्स को इंक्लूड कर लेंगे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोनियो को इंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद ग्राफिक्स को, उसके बाद हम ग्राफिक्स को इंक्लूड कर लेंगे, ग्राफिक्स डॉट एच, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे और एक हेडर फाइल ले रही हूँ, उसका नाम है डॉस डॉट एच, ओके। वो क्यों यूज़ करेंगे, जब उसका यूज़ होगा तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन हमें यहाँ पे एक और फाइल लगी, वो होगी डॉस डॉट एच, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग करना है। प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है कि अगर हम मेन फंक्शन से पहले कुछ लिखना चाहते हैं, ओके, मेन फंक्शन से बाहर कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग करना पड़ता है। सो प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट उस जो हम फंक्शन बाहर यूज़ करने वाले हैं उसमें क्या क्या होगा उसका सिर्फ एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है, ओके, यू कैन से इट। तो यहाँ पे मैं एक फील नाम से एक
प्रोग्राम अलगोरिद सॉरी फंक्शन लिखने वाली हूँ और उसके लिए मैंने उसको प्रोटोटाइप कर कह दिया है। उसको हम प्रोटोटाइपिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। ओके, वो यूज़ करके हम आगे चल के क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं जो मैंने प्रोटोटाइप लिया है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ओके, सो मैंने वहाँ पे मुझे चार इंटीजर चाहिए। जैसे हमने अल्गोरिदम में देखा था, हमें क्या लगता है, एक्स लगता है, उसके बाद हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। सो मैंने वो सब डिक्लेयर करने ले रही हूँ। उसके बाद हमें ओल्ड कलर लगता है, सो ओल्ड कलर के मैंने यहाँ पे ओल्ड लिख दिया, और न्यू कलर लगेगा, सो न्यू कलर के लिए मैंने यहाँ पे न्यू कल ओके ऐसे करके लिख दिया है। ओके, ये प्रोटोटाइपिंग नहीं है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इसके वजह से वहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। जब हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं तभी हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ता है। ओके, यहाँ पे मैंने एक करंट नाम से एक वेरिएबल लूँगी जो कि होगा इंटीजर टाइप का। उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू गेट पिक्सल। ओके, ये ग्राफिक्स का क्या है, प्रीबिल्ट फंक्शन है गेट पिक्सल। सो यहाँ पे मैंने उसको कॉल किया है गेट पिक्सल एक्स कॉमा वाई। ओके, सो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है, इसलिए मैं वहाँ पे सेमीकोलन दे रही हूँ। और उसके बाद हम उस करंट पे क्या करेंगे, एक कंडीशन रखते हैं, इफ़ करंट इज इक्वल टू ओल्ड, जो हमने देखा था इफ़ गेट पिक्सल इज इक्वल टू ओल्ड कलर होगा। तो उसी को हमने इस तरह क्या किया है, गेट पिक्सल को करंट में स्टोर कर दिया और करंट पे हमने वो कंडीशन लगा दी है। ओके, सो यहाँ पे हमारा इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिले इन ब्रैकेट 5। ओके, डिले इन ब्रैकेट 5 का मतलब क्या है, अगर हमने यहाँ पे डिले नहीं लिखा तो हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या होगा, ऑलरेडी फील आ जाएगा। ओके, तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो कलर कैसे फील हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। सो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे डिले लिया है, और ये जो डिले फंक्शन होता है वो डॉट डॉट एच में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको डॉट डॉट एच हमने क्या किया है, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। सो यहाँ पे हमें पुट पिक्सल करना है, हमें जो हमारा पॉइंट मिला है एक्स और जो गेट पिक्सल का जो पॉइंट है उसको हमें क्या करना है, पुट करना है हमारे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने पुट पिक्सल लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू लिखनी है, और उसमें आपको नया कलर जो आपको असाइन करना है वो नया कलर आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमें देना है सेमीकोलन। उसके बाद हमें फ्लड फील एल्गोरिदम का वो फील फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन ओके कॉमा, जो मैंने एट यहाँ पे मैं एट कनेक्टेड इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ओके, तो वहाँ से जो यहाँ पे जो मैं पॉइंट लूँगी वो कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमें इस तरह से लिखना है। ओके, लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन देके इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जाके सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट इंसर्ट प्रेस करना पड़ेगा। देन आपको कर्सर को नीचे लेना है, ऐसा आपको 8 बार क्या करना पड़ेगा, कॉपी करके लेना पड़ेगा। ओके, सो यह चार बार हो गया। सो यहाँ पे ये मैं कॉपी कितने टाइम्स करूँगी, 8 टाइम्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, 8 कनेक्टेड रीजन से देख रहे हैं। मैंने दोनों क्यों ली है, क्योंकि ओके, और एक बार हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 8 बार लिख दिया। जस्ट अब हमें क्या करना है, हमें ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को चेंज करते रहना है। ओके, सो कोऑर्डिनेट पॉइंट को चेंज करते वक्त हमें पहले टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट ये चार पॉइंट्स को क्या करना है, ध्यान में रखते हुए करना है। उसके बाद हमने पहले एक्स साइड के सब कर दिए, प्लस वन और माइनस वन, वाई को कॉन्स्टेंट रख दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स को कॉन्स्टेंट रख देंगे और वाई को क्या करेंगे, पहले प्लस कर देंगे, उसके बाद वाई को एक बार माइनस कर देंगे। ओके, एक्स को या इस पर्टिकुलर में एक्स हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे हम माइनस वन करके रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक्स और वाई दोनों को इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट यूज़ करें, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों जो हमारे
एक्स और वाई होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से माइनस कर दिया। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा होता है जहाँ पे वाई एक्स कोऑर्डिनेट प्लस रहता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस रहता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। फोर्थ में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस हो जाता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है इनके प्लस में रहता है, तो यहाँ पे हम वाई के लिए यहाँ पे लिख देंगे प्लस वन। ओके, अगर आपको वो एट वे सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल पता होगी ओके तो आप ये आराम से लिख सकते हैं, आसान है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें x को एक बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, y को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, x को एक बार डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, y को वैसे ही रखेंगे। सिमिलरली हम x को सेम रखेंगे एज इट इज़ और y के पोजीशन चेंज करते रहेंगे, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट क्वाड्रेंट वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, एक बारी बारी क्या कर देंगे अकॉर्डिंग टू दैट क्वाड्रेंट वैल्यूज़ वो लिख देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा फ्लड जो फील का प्रोसेस था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे मेरा इफ़ ख़त्म हो गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे हमारा फील भी फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब हम लिखेंगे मेन फंक्शन, क्योंकि अगर हमें ये एग्जीक्यूट करना होगा तो हमें यहाँ पे मेन फंक्शन की ज़रूरत होगी, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो हमेशा एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे मेन फंक्शन आप ये उल्टा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पहले मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दीजिए, फिर फील पर जो फील का जो आपका फ्लड फील का जो फंक्शन है वो इसको लिख दीजिए, या फिर पहले फील लिख दीजिए और बाद में वॉइड मेन लिख दीजिए, मेन फंक्शन लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो यहाँ पे हम डिटेक्ट लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज कर लेंगे। ओके, देन हमें ग्राफ को इनिशियलाइज करना है तो मैं यहाँ पे इनिट ग्राफ लिख दूंगी। ओके, सो यहाँ पे एड्रेस ऑफ जीरी हमेशा याद रखना, जीरी पहले आता है उसके बाद जीएम आता है, उसके बाद हमें कॉमा देना है और डबल कोट्स में हमारे टर्बोसी का पाथ लिखना है। सो सी कोलन स्लैश स्लैश टर्बोसी थ्री, स्लैश स्लैश बीजे, हमें बीजे तक क्या करना है वहाँ पे पाथ लिखना है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक रेक्टेंगल का शेप ले लेती हूँ। ओके, आप चाहे तो कोई सा भी शेप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले रही हूँ। ये रेक्टेंगल का फंक्शन है, यहाँ पे आपको एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू के कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट दे रही हूँ, आप चाहे तो कोई से भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं और चाहे तो ये भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। ओके, देन हमें यहाँ पे फील फंक्शन को कॉल करना है। फील करते हुए हमेशा याद रखना कि जो हमारा रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट है उससे ज़्यादा होने चाहिए, जो हमारा एक्स और वाई है 50-50। तो यहाँ पे मुझे फील करने वाला कलर उससे थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, आप 55 ले सकते हैं, 54 लिख सकते हैं। सो मैंने राउंड के लिए 54 लिख दिया। यहाँ पे जीरो यानी हमारा वाइट कलर है और यहाँ पे मैं जो टू लिख रही हूँ ओके, ये टू क्या करता है यहाँ पे ग्रीन कलर को इंडिकेट करता है। ओके, आप चाहे तो गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या सर्च करना है, कलर कोड्स फॉर कलर कोड्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, यहाँ पे आपको ढेर सारे कलर कोड्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोड्स नहीं मालूम होता है तो वहाँ पे फंक्शन में आपको क्या लिखना है, इंस्टेड ऑफ इंटीजर आप वहाँ पे कैरेक्टर लिख सकते हैं, और कैरेक्टर लिखने के बाद आप वहाँ पे कलर लिख सकते हैं, और डायरेक्टली आप यहाँ पे कलर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे उसके बाद हमें हमारे जो आउटपुट आता है उसको हमें क्या करना है, होल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे गेट सीज लिख दूंगी, उसके बाद हमें क्लोज ग्राफ कर देना है। यहाँ पे हमारा जो फ्लड फील का प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको कंपाइल करके देखती हूँ। तो कंपाइल करने के लिए आप यहाँ से कंपाइल कर सकते हैं, यहाँ पे एक एरर आ गया। ओके, सो यहाँ पे गलती से मैंने दे दिया था। सो अगेन हम इसको सेव करेंगे और फिर से मैं कंपाइल करके देखती हूँ, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, उसको हम कंट्रोल F9 करेंगे। तो देखिए हमारा जो रेक्टेंगल है वो क्या हो गया है, फील होता जा रहा है। ओके, ये पूरा फील हो जाएगा ग्रीन कलर से। ये क्या होता है, वो पहले क्या करता है, बाउंड्री कलर को देखता है, बाउंड्री कलर को देखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे डिले का यूज़ मैं आपको बताती हूँ, समझो यहाँ पे जब मैंने डिले को कमेंट दे दिया, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया मेरा प्रोग्राम और यहाँ पे मैंने फिर से उसको कंपाइल किया
और यहाँ पे मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ, तो ये डायरेक्टली आ जाता है, वो फील कैसे होता है आपको दिखता नहीं है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, डिले को यूज़ कर दिया है। ओके, आप ये डिले बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सपोज़ जब मैंने यहाँ पे 10 कर दिया डिले, ओके, तो देखते हैं 10 करने के बाद क्या होता है। मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, ये देखिए ये स्लोली स्लोली हो जाएगी, जितना डिले आप बढ़ाएंगे उतना स्लोली स्लोली वो क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा। आपको इससे बड़ा शेप चाहिए तो आप ले सकते हैं इससे बड़ा शेप। ओके, आपको क्या करना है, सिंपली पेंट में जाना है, पेंट में जाके एक स्क्वायर ड्रॉ कर दो और रेक्टेंगल, जो भी शेप आपको ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर दो, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देख लीजिए और उसको यहाँ पे सिंपली वहाँ पे फंक्शन में फील कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे आपका